बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत कैसे हमारी किस्मत पर भारी पड़ सकती है? पंडित जी देखिए, जिन लोगों का राहु जन्म कुंडली में कमजोर होता है ऐसे लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं और ऐसे लोगों को उम्र के 34वें और 36वें साल में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। 48 साल में आते आते इनकी परेशानियां दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे लोगों का बुध और शुक्र भी धीरे धीरे कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों की एकाग्रता कमज़ोर होती है। ऐसे लोग धैर्यहीन होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैर हिलाते हैं उनका पेट भी खराब रहने लगता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और एंजाइटी की समस्या भी हो जाती है। ऐसे लोगों को पैर नहीं हिलाना चाहिए। हर रोज़ 10 मिनट पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और अपने मन में सोचना चाहिए कि पैर हिलाने जैसी जो बुरी आदत हमारे अंदर है ये समाप्त हो जाए। ऐसा थॉट अपने मन को देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।